तो चलिए आइए जानते हैं, इनका नाम है सोनू तिवारी, आइए जानते हैं प्यार क्या होता है। हाँ, तुम बताइए प्यार क्या होता है। प्यार वो शब्द है जिसके सुनने से ही बहुत खुशी मिलती है। मेरी नजर में सच्चा प्यार वही होता है जो बिना कंडीशन और बिना एक्सपेक्टेशन के होता है, नेचुरली लव होता है, जिसमें बहुत ज्यादा खुशी और आनंद के अनुभूत होते हैं। और ये बताइए इसमें मतलब क्या होता है प्यार। प्यार का मतलब, प्यार वो है जो आप अपने मम्मी से, पापा से, अपने फ्रेंड से, है ना, और आप भगवान से भी कर सकते हैं। और अपने प्यार मतलब प्यार को निभाने के लिए आपको बहुत सोच समझ के अपना आगे भी जो कार्य करना पड़ता है, जिससे हमारा प्यार सक्सेस रहे। अच्छा अच्छा। और प्यार में पढ़ना एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, इसमें हम बहुत ही खुश रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। ठीक। अच्छा ये बताइए, प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो किससे करना चाहिए? देखिए, प्यार करना कोई बुरा शब्द नहीं है, प्यार आप करो कि नहीं करो, प्यार बहुत अच्छी चीज है। और मेरे हिसाब से आदमी की लाइफ में एक बार प्यार जरूर होता है। जी जी बिल्कुल। और प्यार करना चाहिए, आप प्यार नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्यार में होता कैसा है। जी। अच्छा ये बताइए प्यार करना क्यों चाहिए? अगर देखिए, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पढ़ाई के काम पे टाइम पे आप अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है या आप लव नहीं कर रहे हैं, तो आपका दिमाग जो है टेंशन में रहेगा कि आप पढ़ने में कम उसमें ज्यादा ध्यान देंगे कि आपके कोई फ्रेंड बने। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, लव मैरिज आपको अच्छा लगता है कि अरेंज मैरिज? देखिए, मुझे तो लव मैरिज ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि लव मैरिज में क्या होता है कि आदमी एक दूसरे को पहले से ही जानता है। जी। और अगर आप जानते हैं तो आपका पार्टनर भी जानता है, तो आपकी लाइफ मेरे हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल रहती है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए मेरे हिसाब से लव मैरिज बहुत अच्छा है। अच्छा जी बिल्कुल। धन्यवाद। प्यार क्या होता है? प्यार होता है। तो ये बताइए प्यार आप किससे करते हैं? प्यार तो किसी से भी किया जा सकता है, जैसे अपने बच्चों से, माता पिता से, बाकी दोस्तों से, किसी से भी किया जा सकता है। प्यार प्यार है। प्यार प्यार है जी। और ये बताइए आपको लव मैरिज अच्छी लगती है कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि लव मैरिज तो टूटने के बहुत सारे चांस होते हैं, जल्दी टूटने के कगार पे आ जाते हैं, अक्सर टूट जाते हैं। बिल्कुल। अरेंज मैरिज ज़्यादा लोगों के सहयोग के साथ में लोगों को भी शादियाँ होती हैं, तो इसलिए दबाव रहता है लोगों का, वो कम टूटते हैं, इसलिए मेरे समझ से तो अरेंज मैरिज ही ठीक है। अच्छा ये बताइए, प्यार किस वस्तु का नाम है, जानवर का नाम है कि प्यार क्या है, इसका नाम क्या है? प्यार तो एक एहसास है, जिसको एहसास हो गया है प्यार का, वो प्यार करता है, प्यार में ही जीता है, प्यार में लगता है। प्यार प्यार है, क्या एहसास है तो ठीक है। आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? हम सभी को करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, माँ को, पिता को, बच्चों को, बीवी को, और जो लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों को। बिल्कुल। ये बताइए लव मैरिज आपको अच्छी लगती है कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। लव मैरिज क्यों अच्छी लगती है? लव मैरिज अच्छी नहीं लगती, नहीं अच्छी लगती। क्या कारण है इसका? तो ये बताइए प्यार क्या होता है? प्यार प्यार होता है।
अरे प्यार होता है, प्यार का नाम क्या है, प्यार होता क्या है, किसी वस्तु का नाम है कि किसी जानवर का नाम है, प्यार होता क्या है? प्यार होता है किसी से भी प्यार करने। अरे कौन है यार, कैसे बीबी, बिल्कुल, या माता जी, जी पिताजी, बिल्कुल, या बहन, जी कोई भी मान लीजिए। हाँ तो ये बताइए कि आपको ये बताइए लव मैरिज पसंद है कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। लव मैरिज क्यों नहीं पसंद है? लव मैरिज में क्या है, भाग जाती है, हमें पसंद है, हमारे घर वालों को पसंद नहीं है। जी हमें तो पसंद है, घर वालों को पसंद नहीं है। जी तो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। हाँ अच्छा ये बताइए, ये तो आप बोल दिए कि लव मैरिज में भाग जाती है, क्या अरेंज मैरिज में लड़की नहीं भागती?